ज्ञानवापी केस में आ गया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज। संसद से लेकर कोर्ट तक सब बिक गए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी केस का फैसला आ चुका है। जिला अदालत ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है। फैसला आने के बाद से हिंदू पक्ष में काफी उत्साह है। वहीं जिला अदालत के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला न्यायोचित नहीं है। हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फैसला बिल्कुल गलत है और तथ्यहीन पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कानून को जिला कोर्ट के जज ने दरकिनार करके फैसला दिया है। मेराजुद्दीन सिद्दीकी आप लोग क्या है? हमारी एप्लीकेशन 35 सी थी। ये मुकदमा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी प्रश्नीयता पर बहस हुई। आज उस पर कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये मुकदमा यही चलेगा। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। हमको जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और ऑर्डर 110 में एप्लीकेशन लोगों की पड़ी है पार्टी बनने की। उन लोगों की भी एप्लीकेशन की सुनवाई 22 नौ को होगी। हम लोग आगे इसकी अपील करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर हमारे लीगल हिसाब से भी सही नहीं है। हाई कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर कोई वहाँ हाईकोर्ट में जो होगा हाईकोर्ट से ऑर्डर होगा। वहाँ के ऑर्डर होने के बाद या कोई होगा देखा जाएगा जो भी उनको हाईकोर्ट उनके डायरेक्शन। चलो आज क्या कहा जज साहब ने? क्या कहा सामने हमारी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि खारिज किया थी, मुकदमा चलेगा। बता दें कि जिला अदालत के जज अजय कृष्ण विशेष ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुने जाने लायक माना। ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को भी ASI से सर्वे कराने की मांग शुरू कर दी है। साथ ही परिसर का जो सर्वे पहले हुआ था उस पर चर्चा की मांग की है। हिंदू पक्ष के वकीलों के मुताबिक यह फैसला इस हिसाब से मील का पत्थर साबित होने वाला है क्योंकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह मामला 1991 के पूजा कानून के दायरे में नहीं आता। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का कहना है कि अदालत के इस फैसले के आगे मंदिर का मार्ग खुल चुका है। उनके मुताबिक अदालत ने मुस्लिम पक्ष की सारी आपत्तियां खारिज कर दी हैं। वाराणसी के जिला जज के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर वजू खाने में वीडियो सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग भी की जाएगी। यह सर्वे सिविल कोर्ट के आदेश पर हुआ था जिसमें परिसर में कई तरह के हिंदू धर्म स्थल के साक्ष्य मिलने के दावे किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि जिला जज के फैसले से ज्ञानवापी मस्जिद की नींव पड़ गई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्से पैक्ट के सिलसिले में जो कहा था उससे उम्मीद जगी थी कि अब देश में मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। इसके बावजूद ये फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो मामले में अब हाई कोर्ट जाएगा और इस पूरे फैसले को चुनौती देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।